पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर मुद्दे पर पूरी तरह से हार मान चुके हैं और इसका जिम्मेदार वो मोदी सरकार पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी इमरान खान एक बातचीत के दौरान कहते हैं कि भारत में मोदी सरकार के रहते हुए कश्मीर समस्याओं को लेकर कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कश्मीर का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी सरकार नाजी और हिटलर की विचारधारा के अनुसरण काम कर रहे हैं, जहां पूरे देश में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां जाफराबाद में भी देखा गया है हिंसा हुई थी, तो उसी मौके को देखते हुए सभी उनकी तुलना हिटलर नाजीवाद से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इमरान खान ने भी इस मौके को पकड़ लिया और उन पर ही उंगली उठा दी और उंगली उठाते हुए नाजी और हिटलर की विचारधाराओं के साथ उनकी तुलना की गई। जिस तरीके से तुलना की गई है वो वाकई में सच भी है क्योंकि अभी पूरा देश परेशान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इमरान खान अपनी हार का कारण मोदी सरकार को बता रहे हैं और हार उन्हें पच नहीं रही है इसलिए मोदी सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं। लेकिन नाजी और हिटलर से तुलना करना एक तरीके से सभी आजकल यही बोलते हुए मोदी सरकार पर लगातार उंगली उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इमरान खान ने कहा है कि मुझे सरकार से बहुत उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में एक मजबूत भारतीय नेतृत्व कश्मीर समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा और हम जरूर इसका समाधान निकालेंगे। भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान कश्मीर से आत्मसंकल्प के अधिकार का वादा किया था, लेकिन भारत अब इन्हें ये अधिकार नहीं दे रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कश्मीरियों को ये अधिकार दिया गया तो पाकिस्तान को वो चुन लेंगे। कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर भारत में मजबूत और स्पष्ट सोच वाला नेतृत्व आएगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यहाँ पर इमरान खान और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में समस्या है कि मौजूदा सरकार की आरएसएस अतिवादी विचारधारा है जो नाजियों से प्रेरित है। आरएसएस भारत की मौजूदा सरकार को चला रहा है जो हिटलर की नस्लवादी विचारधारा को मानती है। यही वजह है कि उन्हें करोड़ों कश्मीरियों जो मुस्लिम हैं उन्हें एक खुली कैद में रखा हुआ है और जिसकी आलोचना खुद कश्मीर वाले भी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन उंगली अभी उठ रही है ये वाकई में सच है। SPN 9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।